Good morning. Very very happy. Good morning. 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 गुड मॉर्निंग सरोजी की कैप भी निकल गई है अभी तो सर्दी पड़नी बाकी है अभी तो मेरी है। <laughs> एक महीने से कैप पहन रही है नहीं अभी तो ठंड आनी है दिल्ली में अभी आई कहा है अभी <laughs> नहीं, आई मैं, लिए एक महीना से पहन रही हूँ मुझे ठंड बहुत लगती है अच्छा बट बहुत अच्छा सा वेदर हो रहा है डेली में है ना हाँ सुंदर है बहुत वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड एवरीवन ऑन द यूट्यूब अ वेरी गुड मॉर्निंग आफ्टरनून और इवनिंग वेर एवर यू आर एंड वट पार्ट ऑफ वर्ल्ड एंड वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल जर्नी टुडे विल बी द डे जब हमको ड्वेल करके सोचना है कि हमें एग्जैक्टली exactly चाहिए क्या फ्यूचर में और ड्रीम्स में क्या से पता नहीं मेरी तो ड्रीम लिस्ट हर बार चेंज हो जाती है मतलब कुछ ऐड हो जाता है uh, जैसे आज भी एक चीज है जो मेरे दिमाग में जो कल आई थी सो so आज क्योंकि हमको दोबारा से अपनी ड्रीम लिस्ट बनानी है आई मीन वी वी डाउन ऑल द थिंग्स दैट वांट इन लाइफ इन द फ्यूचर सो थिंक अबाउट द थिंग्स नाउ दैट यू एडेड ऑन बिकॉज जैसे जैसे हमारा फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारे सोचने का तरीका बढ़ता जाता है And according to that, the dream list also changes. limiting beliefs. Uh, should we be able to, you know, like get that? Should I should I pray for it? Should I work on that? It's kya. doubts and fears. दीरे दीरे that no matter how big your dreams are, you can achieve anything in your life. And there's so many people sharing so many things. So because of that, we see that you know there there comes a confidence and conviction that. Uh, yes, the universe power is immense, and uh, you know, I am an infinite possibility. I can achieve, be, do, and have anything that I want to. And life is taking a turnaround, it has taken a turnaround for all of us. Uh, it's constantly, every day is unfolding, you know, and we have uh, witnessed magics and miracles happening in our life.

Uh, हर चीज हर चीज जो शब्द आपके दिमाग में चल रहे हैं वो आपकी रियलिटी बनते जाते हैं एंड दिस इज हाउ ब्यूटिफुल लाइफ इज और uh, आज हमको फिर सोचना है कि हमें अपनी जिंदगी में चाहिए क्या यू नो एक्सपैंड करो थोड़े अपने डिजायर्स को बिकॉज आज ड्रीम लिस्ट हमको बनानी होगी आज से हमारा होमवर्क शुरू हो जाएंगे हम डिलीजेंटली करेंगे अच्छा कल किसी ने मुझसे पूछा था रात को व्हाट्सएप करके कि मेरी कुछ कुछ इश्यू चल रहा है और मैं अभी नई हूं और अभी करना शुरू किया है तो उन सब लोगों के लिए मतलब मैं ऐसे इंडिविजुअली मैसेज नहीं कर पाती बट लाइफ में जैसे इंडिविजुअली हमको एग्जैक्टली exactly अभी पता नहीं है कि कौन सा वो एरिया आपका लाइफ में है जो आपको पुल डाउन करता है मतलब इट कुड बी रिलेशनशिप विद समबडी इट कुड बी मनी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है इट कुड बी करियर उस हिसाब से आगे नहीं बढ़ रहा इट कुड बी दैट आप में कॉन्फिडेंस की कमी है इट कुड बी दैट पीछे कुछ ऐसा हादसा हुआ जिसके कारण उसके इम्प्रिंट अभी भी आपके लाइफ में है सो इट कुड बी एनी थिंग सो दैट आई डोंट नो ठीक है एंड आई डोंट लाइक टू सी द डिटेल्स ऑल्सो बिकॉज मेरे लाइफ में वो आ जाता है यू नो बिकॉज तो मैं किसी की भी नहीं पड़ती मैं ब्लेस कर देती हूँ अगर आप एक एक लाइन में बता दोगे मेरे पास इतनी है कि मुझे सब कुछ समझ में आ जाता है और वो हो गया सो so, मुझे बहुत डिटेल में अपनी सिचुएशन इतने बड़े पैराग्राफ और इतने बड़े मैसेज में एक्सप्लेन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है अगर मैंने आपने बता दिया ब्लेस हो गया सब हो गया अब किताबों पे ध्यान देना है हमें बिकॉज द बुक वर्क ऑन ऑल द एरियाज ऑफ आर लाइफ सो इवन इफ यू वॉन्ट मनी योर रिलेशनशिप हैज टू बी गुड ओके नाउ अगर आप आपको अगर रिलेशनशिप चाहिए तो आपकी बाकी की फ्रीक्वेंसीज जो है वो भी अच्छी होनी चाहिए यू you नो know, मतलब जो बाकी के एरियाज हैं आपके लाइफ के सपोज हेल्थ तो अगर आपको रिलेशनशिप में मेरिकल्स चाहिए तो उसमें हेल्थ में भी आपको चेंज करना होगा तो इसीलिए ये बुक इस तरह है दैट इट इज एड्रेसिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ तो वो जो टेंट जब खड़ा होता है तो उसमें वो बीच वाला डंडा तो खड़ा ही होता है बट टेंट के सारे साइड यू नो नेल्ड होते हैं अर्थ में और एक भी अगर वो नेल निकल जाता है तो वो टेंट अपनी जगह खड़ा नहीं रह पाता तो इसीलिए लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं एंड दे ऑल हैव टू बी डूइंग वेल So, we cannot say that this area of my life is not doing well. It is not doing well, maybe because of that area of the life, you know. मतलब हेल्थ गड़बड़े हो सकता है इसलिए रिलेशनशिप में गड़बड़ा रही है सो so, ये बुक इस तरह प्लेस्ड है लगातार जब महीने सारे चैप्टर्स कर लिए उसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम लाइफ में है वो वैसे भी चली जाएगी तो इसलिए पहले तो ये डिटर्मिनेशन लेना है बिकॉज हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जो ट्वेंटी एट चैप्टर्स पूरे नहीं कर पाते और अगर कर लिए तो आपको मिरिकल्स नजर आने लग जाएंगे दूसरी दुनिया ग्रेटिट्यूड की होती है एफमेशन काम नहीं करेगा जब तक ग्रेटिट्यूड आपका मतलब सैचुरेट नहीं हो जाता सबकॉन्शियस माइंड में और पैटर्न चेंज नहीं हो जाता बिल्कुल सोचने का करने का तरीका तब तक एफॉमेशन वर्क नहीं करेंगे एफॉर्मेशन तभी वर्क करते हैं जब आपकी ग्रेटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी होती है यानी कि एक किसान भी जो होता है फार्मर वो पहले अपने ग्राउंड को बहुत अच्छे से प्लाव करता है, है ना और फिर उसको सॉइल टर्न ओवर करता है उसके बाद वो उसमें जो भी फर्टिलाइजर है खाद होती है वो उसको डालता है ठीक है तो वो अपना ग्राउंड वर्क पहले कर रहा है अपनी फाउंडेशन बिल्ड कर रहा है जिसके ऊपर अब खेती होगी जिसमें कोई सीड्स डाले जाएंगे सिमिलरली हमारी जिंदगी में भी हम पहले ग्रेटिट्यूड को अपने जिंदगी में सैचुरेट करेंगे तो पहले हम अपना ग्राउंड वर्क कर रहे हैं कैन बी प्लीज म्यूट अस सो उसके बाद हम अपना ग्रेटिट्यूड को वो करेंगे उसके बाद हम एफमेशन के सीड डालेंगे वरना वो सीड अगर बिना फर्टाइल ग्राउंड के ग्रो होए तो वो क्रॉप बहुत अच्छे नहीं निकलेंगे तो इसीलिए वर्क हमको इनपे करने की जरूरत है ठीक है जब ग्रेटिट्यूड पूरी तरह से आ जाता है मैंने आपसे एफर्मेशन की बात पहले दो साल में तो करी नहीं थी ना मतलब इट बिकॉज मे बी वी वर नॉट रेडी सो देर आर समुक्स विच आर कमिंग वन आफ्टर दी डिड नॉट टू क्रिएटिव विजुअलाइजेशन इन द लास्ट थ्री ईयर्स वीड डॉन इट ओनली लास्ट मंथ तो वो अब, अब, अब कर, कर रहे हैं बिकॉज अभी हमारा वो ग्राउंड फर्टाइल हो चुका है उस बुक को अंडरस्टैंड करने में नहीं तो पहले तो लोग उस ऑथर कोई अंडरस्टैंड नहीं करते कि कैसे स्पिरिट कर सकते हैं स्पिरिट कैसे किताब लिख सकते हैं है ना किसी की आत्मा कैसे किताब लिख सकती है लेकिन लिखी है ना एब्राहिम हिक्स तो आत्मा ही है ना जो एस्टर हिक्स की बॉडी में आके लिखते हैं तो वो चैनल करती हैं तो उस तरह से और फिर उसका जो कंटेंट है वो थोड़ा सा सुपर नैचुर आपको लगेगा बिकॉज दैट्स कनेक्टिंग यू टू योर सेल्फ एंड कनेक्टिंग यू टू द पावर ऑफ द यूनिवर्स सो यूनिवर्स इज आज ओनली तो इस तरह से ये वाली किताबें पढ़ के हम उस मोड में आ रहे हैं अभी तक वी वर लिविंग आवर लाइफ इज इन टेड वी वर लिविंग आवर लाइफ

डेलिब्रेटली क्रिएट कर रहे होते हो क्योंकि अब आपको हैक पता लग गया है दैट दिस इज हाउ इट वर्क आई डोन्ट है माई फ्रीक्वेंसी अगर मेरी फ्रीक्वेंसी लो हो रही है तो कोई बात नहीं मैं फील करूंगी वो नेगेटिव इमोशन थोड़ी देर के लिए एंड आफ्टर दैट आई विल जस्ट डू माई टेक्निक्स दैट आई विल राइट थैंक यू और आई विल डू माई ग्रेटिट्यूड वॉक और आई विल जस्ट राइट माई हंड्रेड ब्लेसिंग्स और आई डू माई हो पोनो पोनो टेक्नीक और वट एवर इट इज ठीक है तो हमको ये पता है कि हमें उस कीचड़ में पड़े नहीं रहना है है ना हमें इमिजिएटली उठना है अपने आप को धोना है और अपनी अपने जो राइट right एक्शन है उस वक्त का वो लेना है ताकि हम फ्रीक्वेंसी में उसमें नहीं डिवेल करें बिकॉज जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो हमें अपनी फ्रीक्वेंसी बहुत ध्यान से सोचना पड़ेगा कि वेर एम आई वॉट इज इट दैट आईव डन इन द लास्ट थर्टी डेज दैट इज गिवेन मी आई लाइफ दैट आई सीन एंड इज इट इन द नेक्स्ट थर्टी डेज दैट आई विल डू विच विल क्रिएट द लाइफ ऑफ माई ड्रीम्स राइट right? सो so, ये करना बहुत जरूरी होता है सो डेलिबरेटली लिव डे आई एम गिविंग यू दिस मैसेज यू नो बिकॉज बार बार हम पुल बैक हो जाते हैं कभी कभी और हम सर्वाइवल मोड में चले जाते हैं स्टार्ट लिविंग अन वी फगेट दट टू आई एम द्रिएटर आई है वुड बी एन एक्सपैंशन ऑफ योर ड्रीम्स ना अगर अभी तक आपने सोचा था कि मैं हर महीने पांच लाख रुपए कमाती हूँ और थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स दैट आई रिसीव रुपीज फाइव लैक्स एवरी मंथ तो अब आपका वो फाइव थोड़ा बढ़ जाएगा क्योंकि आपको इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज का ऑप्शन आता जा रहा है और आपको ये बिलीव होता जा रहा है दैट हाँ आई एम इन्फिनिट पॉसिबिलिटी आई डोंट हैन एनी वेयर मुझे अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है ग्रेटिट्यूड और लव में करना है जिससे मैं अट्रैक्ट करूँ So, don't chase, attract it in your life. And you will, right where you stand, you don't need to go anywhere for it. You will attract those situations, people, circumstances, and life will just become like, you know, beautiful. And you will see that you will be surrounded by magics and miracles, beauty, abundance, prosperity, amazing health, luxuries. All these things will start pouring into your life. And that is what we need to do. So, all we need to do is only work on our frequency and work on the assignments and all the areas of our life. And past, present, future. So, we will Yes, ma'am. Anji, after please start. After the 28 days, once you have completed the 28 magical practices, you can use particular. Practices to increase the magic where or when you have a specific need, such as for health or money, or if you want to receive your dream job, have increased success in your work, or improve a relationship. Or to continue the practice of gratitude, you can open this book at random, and whichever practice you open to is the one you attracted. So, it's the perfect one to do that day. At the end of the 28 magical practices, there are also recommendations of practices you can use in combination, which will accelerate the magic in specific areas of your life. Can you overdo gratitude? Never. Can your life become too magical? Hardly. Use the practices over and over so that gratitude seeps into your consciousness and becomes second nature to you. After 28 days, you will have rewired your brain and implanted gratitude in your subconscious mind, where it is automatically the first thing that comes to your mind in any situation.

So, it says here that ये पूरी जो प्रेक्टिस है इट इज नीवा हम सबके इलेक्ट्रिक बोर्ड होते हैं घर में तो उसमें सब में खूब सारे वायरस होते हैं जो कहीं कहीं जा रहे हैं तो बस वो वैसे ही वायरस हमारी ब्रेन में होते हैं जो अभी तक हो सकता है थोड़े थोड़े से डिफेक्टिव थे डिफेक्टिव नहीं थे बॉर्न हुए थे तो बिल्कुल ठीक ठाक थे उसके बाद जिंदगी के एक्सपीरियंसिस ने उनको थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया Uh, कुछ पुराने हो गए बार बार एक जैसे रिपीटेड बेकार सोच सोच के बार बार सो so, अब हम उनको रिपेयर कर रहे हैं हील कर रहे हैं और नए तरीके से पूरे घर की वायरिंग कर रहे हैं घर के मतलब अपनी बॉडी की है ना नए तरीके से उनकी वायरिंग कर रहे हैं सो वी आर रीवायरिंग

स्वेटर उतार दो ठंड लग रही है स्वेटर पहन लो अरे उस वो पर्सन कैसी दिख रही है उसके बाल कितने सुंदर हैं अरे इसके बाल कम हो गए अच्छा ऐसा हो गया यू नो बहुत शोर आ रहा है गाड़ी दिख रही है अच्छा वो कार का कलर कितना अच्छा है अरे वो कार का, का कलर कितना गारिश है यू नो ये सारी चीजें हमको ये हमारा कॉन्शियस ब्रेन है एक हमारा सब ब्रेन होता है सो सबकॉन्शियस ब्रेन में रिपीटेड था इमोशंस सेटल्ड रहते हैं सेडिमेंटेड रहते हैं जो हमारी आउटवर्ड की रियलिटी को डिसाइड करते हैं सो वॉटर इज देर इन द सबकॉन्शियस माइंड एंड जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सुपर कॉन्शियस से कनेक्टेड रहता है यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ में ठीक है उसमें वो पावर होती है सो so जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें जो आप रेपिटिशन रिपीटेड थॉट्स डालोगे जो फीलिंग फ्रीक्वेंसी डालोगे और जो बिलीव्स हो जाएंगी बिकॉज ऑफ रेपिटेशन हमारी सर्टेन बिलीव्स हो जाती हैं वो जो बिलीव है वो अब आपको अपनी आउटवर्ड रियलिटी में नजर आएंगी वो बिलीफ ये भी हो सकती है कि जब मैं कॉफी पीती हूँ रात को तो मुझे नींद नहीं आती है ठीक है एक्सपीरियंस के कारण ये बिली मतलब ये थॉट आया था आपके मन में कि हाँ मैं जब भी कॉफ़ी पीती हूँ रात को सात बजे के बाद तो मुझको नींद नहीं, नहीं आती है अब ये रिपीटिशन सबकॉन्शियस माइंड थोड़े टाइम के बाद इसको बिलीव करना शुरू कर देता है कि हाँ ये सात बजे के बाद कॉफ़ी पीती हो तो मुझे नींद नहीं आती है कई लोगों को होता है जब मैं मशरूम खाती हूँ तो मुझे अजीब से गैस्ट्रिक इश्यूज होने लग जाते हैं मशरूम खाते ही तो अब ये सबकॉन्शियस दिमाग में सेडिमेंट हो चुका है और क्योंकि रेपिटेशन और एक्सपीरियंस के कारण ये बिलीफ बन जाता है कि हाँ जब भी मैं मशरूम खाती हूँ मुझे गैस्ट्रिक इश्यूज होने लग जाते हैं ठीक है ये होता है दैट मुझे पता है जब मैं सो एंड सो सपोज आपकी कोई रिलेशनशिप है जब मैं उससे बात करती हूं तो वो इस तरह से रिस्पॉन्ड करती है क्योंकि उसका बिहेवियर ऐसा ही है बार बार रेपिटेशन से आपने जजमेंट बना लिया इसीलिए कहते हैं ना बी वेरी नॉन जजमेंटल यू नो बिकॉज वो जजमेंट बार बार सोच के और किसी ए पर्टिकुलर बिहेवियर को आपने उस पर्सन से अटैच करके बार बार जितनी भी बार आप उसके बारे में ही सोचते हो तो आपको वही चीज याद आती है

Uh, मैं जब भी वो कपड़े पहनती हूँ तो मेरा बहुत लकी डे होता है यू नो एज एन एग्जाम्पल कि जब भी मैं वो वाली ड्रेस पहनती हूँ तो उस दिन हमेशा मुझे कोई बहुत अच्छी न्यूज मिलती है और मेरे एग्जाम्स भी बहुत अच्छे होते हैं तो अब आपकी वो ड्रेस को आपने असोसिएट कर दिया है सक्सेस के साथ कि जब भी मैं ये वाली ड्रेस पहनती हूँ तो मुझे हमेशा कुछ अच्छी न्यूज मिलती है या मुझे कोई बड़ा ऑर्डर मिलता है तो जब भी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है तो आप वाली ड्रेस पहन के जाते हो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव कंडीशनिंग यू स्टार्टेड एसोसिएटिंग समथिंग एक्सटर्नल टू समथिंग दैट यू हैव और सम कंडीशन सो दिस इज हाउ दीज बिलीव दे सेडिमेंट इन द सबकॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड को ये तो पता नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत है तो जो आपने सेडिमेंट किया वो उस, आपको बाहर Reality में अब आपको वैसे ही लोग मिलेंगे तभी तो बोलते हैं like like. like like, मतलब है. अगर आप मतलब हो you know, थाईज बहुत हेवी हो रही है थोड़ी सी कम हो जाएगी अब वो रिपीटेड थाट क्या है कि मेरा थोड़ा पेट निकल रहा है मेरी थाईस बहुत हेवी लगती है और मैं कब पतली होंगी अभी भी मेरा यहाँ से टायर दिख रहा है अभी भी वहां से टायर दिख रहा है ठीक है और शीशा तो हम बहुत बार देखते हैं दिन में तो हर बार आप देख रहे हो हर बार कोई डिस्कस कर रहा है वजन के बारे में या डाइट के बारे में या जब आपके सामने पिज्जा आता है तो आप दोबारा से सोचते हो यार पेट निकल रहा है और थाइस भी हैवी हो रही मैं सो तो ये रिपीटेड थॉट है आपके तो अब आपका न तो पेट अंदर होगा ना आपकी थाइस कम होंगी बिकॉज सारी एनर्जी कहाँ जा रही है कि पेट निकलता जा रहा है और मैं थोड़ी आउट ऑफ शेप हो रही हूँ और ये हो रहा है मेरे थाइस हैवी हो रहे हैं ठीक है तो अब आप कुछ भी खा लो आप सिर्फ वेजिटेबल सैलड खा लो लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में ये प्रोग्रामिंग की हुई है हैवी था वेर एवर यू पुट एनर्जी दैट थिंग विल मैनिफेस्ट इट इज लाइक दैट सो नाउ वेट यू हैव टू पुट एनर्जी दैट आई है बेस्ट शेप ऑफ माई लाइफ एंड माई बॉडी इज स्लिम टोन्ड स्लेंडर एंड आई लुक वेरी गुड

जैसे ही आप एक करोड़ अचीव कर लोगे वो वैसे ही आपका गोल पांच करोड़ हो जाएगा और ऐसे ही होना चाहिए स्टैग्नेशन नहीं होना चाहिए लाइफ में कांस्टेंट ग्रोथ कांस्टेंट एवोल्यूशन एंड कांस्टेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेस इज मैंडेटरी दैट्स व्हाई वी आर इवन देयर इन दिस वर्ल्ड ऑफ स्टारिंग ग्रेटिट्यूड एंड यू नो ट्राइंग टू रीवायर अर सबकॉन्शियस माइंड तो इसलिए दिस टाइम हैव टेकन टाइम आल्सो टू डू दीज चैप्टर्स बिकॉज अभी भी हम लोग ड्वेल कर रहे हैं पास्ट में ठीक है मुझे भी वर्क करने की जरूरत है आई एम ऑल्सो वर्किंग आई एम ऑल्सो नॉट लाइक यू यूरोट इट्स आई एम नॉट देर येट सो so, बहुत वर्क करना पड़ता है यू नो पास की कुछ ऐसी चीजों को रिप्रोग्राफ करना अपने सबकॉन्शियस माइंड में एंड टू रीवायर द ब्रेन इन अ वेरी डिफरेंट वे इन प्रोसेस जब आप फ्यूचर प्रेजेंस में रहो और आप ये बोलो दैट वाओ माई बॉडी सो स्लिम एंड टोन्ड एंड आई लुक सो गुड एंड यू नो आई लव माई हेयर एंड माई माई स्किन इज जस्ट लुकिंग सो यंग एंड ग्लोइंग एंड क्लीन एंड क्लियर ऑल द टाइम सो इस तरह से रिवायर करके कर ऐसी चीजों में एनर्जी बार बार देना जो आप हकीकत में बदलना चाहते हो है ना सो so, ये प्रोसेस होगा और कोई बात नहीं अभी अभी नहीं हुआ ट्वेंटी परसेंट लाइफ चेंज हुई है डज नॉट मैटर कभी कभी पास्ट की बहुत हैवी यू नो लाइक हमारे सबकॉन्शियस माइंड में डिपोजिटिव होती है मेमरीज पास्ट की बहुत ज्यादा मेमरीज होती है मतलब नेगेटिव होती है तो अगर आपने ट्वेंटी परसेंट भी मूव कर लिया ना आप आगे तो बढ़े ना सो so, आगे बढ़ना जिंदगी में जरूरी है

आप आइडेंटिफाई करो कि कौन सा वाला टाइम है जब आप बहुत लो फील करते हो ठीक है आपको लग रहा है जब शाम को आप घर आते हो और जब अपने रूम में अकेले होते हो क्या तब आप ऐसा फील करते हो लाइक लो फील करते हो व्हाट इज उस वक्त में आप रिपोर्ग्रामिंग करना शुरू करो और उस टाइम को बहुत क्रिएटिवली पिक अप अ गुड बुक स्टार्ट अ गुड बुक टू रीड व्हेन यू कम बैक फ्रॉम वर्क एंड एंड स्टार्ट रीडिंग इट अंडरलाइन दिस इज व्हाट आई डू आई आई हाईलाइट आई अंडरलाइन मेरी किताबें आप इतनी गंदी होती है मतलब गंदी हो जाती है लिख लिख के उधर नोट होता है फिर कोई बहुत हाई पॉइंट होता है तो मैं चैप्टर के ऊपर उसको लिख लेती हूँ so हॉबी और जॉइन समिक्स क्लास यू नो फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम अपनी फ्रिक्वेंसी पे वर्क करना हम ही को जरूरी है कोई और आके वर्क नहीं करेगा और जिंदगी आपको अपनी फ्रिक्वेंसी के हिसाब से ही नजर आएगी सो दैट इज वॉट इट इज तो यहाँ पे ये वाला जो सो हिस्टर इट सेव री फायर योर ब्रेन ओके okay, बिकॉज हमको एक्चुअली रिवायर करने की जरूरत है हमको नहीं चाहिए वो वाली कंडीशनिंग कोई भी ऐसी चीज जो हमको नहीं देखनी है अपनी जिंदगी में होता हुआ हमको वो नहीं सोचना है ठीक है वो बिलीव चेंज करना है बिलीव चेंज करने का मतलब ही है कि रिवायर करना पड़ेगा एंड इम्प्लांट ग्रैटिट्यूड तो पहले तो ब्रेन को रिवायर किया और फिर उसमें इम्प्लांट किया ग्रेटिट्यूड को कि हर चीज के लिए मुझे थैंकफुल होना है शुक्राने में रहना है और वो ऑटोमेटिकली वो दिन आ जाएगा वेन Thank you becomes the first thing that comes to your mind in any situation. No matter how adverse the situation is, no matter how big the challenge is, but still by gratitude, you will transform that situation. This is the power of the thank you. Matlab, bahut badi prayer hoti hai ye, thank you, kid. So, you this practice, ko leke aage jayenge, their life will be nothing short of spectacular. You know, and spectacular is again the key word here. So that's how it is, Hanji. So, what are your dreams? What are your dreams? Many of the magical practices are designed to help you achieve your dreams. Therefore, you need to get clear about what you really want. What you really want. Sit down with a computer or pen and paper and make a list of what you really want in every area of your life think through every detail of what you want to be do or have in your life in your in your relationships career finances health and every area that is important to you you can be as specific and detailed as you like but remember your job is simply to list what you want not how you are going to get what you want. The how will be done for you when gratitude works its magic. If you want a better job or your dream job, then think about everything you want the job to be. Think about the things that are important to you, such as the type of work you want to do. How you want to feel in your job, the type of company you want to work for, the kind of people you want to work with, the hours you want to work, where you want your job to be, and the salary you want to receive. Get very clear about what you want in the job by thinking it through thoroughly and writing all the details down. If you want money to educate your children, work out the details of their education, including which school you want your children to attend, the cost of the school fees, books, food, clothing, and transportation, so that you know exactly how much money you will need. If you want to travel, then write down. The details of the countries you want to visit, how long you want to travel for, what you want to see and do, where you want to stay, and the means by which you want to travel. If you want a perfect partner, then write down of the characteristics you want the person to have. If you want improved relationships, write down the relationships you want to improve and what you want them to be like. If you want more health or an improved bodily condition, be specific about what ways you want to improve your health or body. If you want a dream home, then List every detail of what you want the home to be, room by room. If there are specific material things you want, like a car, clothes, or appliances, write them down. If you want to achieve something, such as passing an exam, getting a degree, a goal in sports, succeeding as a musician, Doctor, writer, actor, scientist, or business person, or whatever it is you would like to achieve, write it down and be as specific as possible. I would strongly urge you to find the time to maintain a list of your dreams throughout your life. Write down the little things, the big things. Or, what you want this moment, this month, or this year. As you think of more things, add them to the list. And as you receive things, cross them off the list. An easy way to do a list of what you want is to divide it into the categories of health and body, career and work, money. Relationships, personal desires, material things. And then just add the things you want to in that category. When you get clear about the things you want, you are giving a definite direction to the way you want gratitude's magical power to change your life. And you are ready to begin the most exciting and thrilling adventure you have ever been on yeah and i can witness wait i'll just get i'll just get my list that i have i had made in 2019 even before the covid began आई डिड नॉट नो अबाउट दिस आई मैजिक बुक मेरी जिंदगी में मतलब मैजिक पावर हीरो मेरे पास मेरी लाइब्रेरी में कब से रखी हुई है बट मैंने उनको इतनी शिद्दत से जैसे अभी हम इतना अच्छे से बी कोड करके पढ़ते हैं वैसे आई हैड नॉट रेड यू नो आई है मैजिक बुक मैंने पढ़ी प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड सीक्रेट मूवी तो पता नहीं मैंने कितनी बार देखी होगी आई है डीवीडी बिकॉज वो डीवीडी का जमाना होता था आई है डीवीडी ऑफ सीक्रेट मैं बार बार उसको देखती थी

और उसको लिख के रख दिया था छोड़ दिया था और फिर वो बाय चांस कुछ सफाइयां हो रही थी घर में मई में, में वो लिस्ट मुझको मिली और उसमें वो दस में से वो दसों की दसों पूरी हो गई है उसमें मैंने अपने ट्रैवल गोल्स लिखे थे मैंने अपनी गाड़ी के लिए लिखा था कि मुझे ब्लैक लग्जरी कार चाहिए

अमेजिंगली आई मीन लाइक यू नो बिकॉज जब गाड़ी मिलने वाली थी तो मुझे ये लग रहा था कि मैं ना डीप रेड कलर की कार ले लेती हूँ जब मुझे चेंज करनी थी आई वॉन्टेड बाई अनादर कार सो वी आई स्टिल हैव माई प्रीवियस वाला कार ऑल्सो बट आई वॉन्टेड टू बाई अनादर कार सो मुझे ये था कि मैं डीप रेड ले लेती हूँ जो मैंने इसमें भी शेयर किया था कि मुझे मन कर रहा है दैट दिस इज वन ऑफ माई दैट मैं गाड़ी ले लेती हूँ फिर ऐसे किसी ने पूछा कौन से रंग की तो मैंने कहा डीप रेड कर सुनीता ने पूछा था तो मैंने कहा डीप रेड कलर की लूंगी सो so, इस तरह करके बट मैंने 2019 वाली लिस्ट में बहुत क्लियरली लिखा हुआ था अ ब्लैक लग्जरी का यू नो एंड आई फाइनली व्हेन आई वेंट टू टेक दैट कै सो आई वेरी क्लियर अबाउट कौन सा ब्रांड और ये रूफटॉप होना चाहिए मतलब वो सारी चीजें जो था वो सब मुझे पता था कि मुझे क्या लेना है कौन सा ब्रांड ऑफ कार लेना है सब कुछ बट मुझे ये तो याद नहीं था मैंने 2019 में क्या लिखा है और जब मैं वहां पे गई तो उन्होंने कहा कि आपको जो गाड़ी चाहिए और जो मॉडल चाहिए उसके लिए मिनिमम सिक्स मंथ्स की वेटिंग है एंड दिस पर्सन दैट यू नो मैंने कहा कि नहीं मुझे तो डीप रेडी चाहिए कुछ चाहिए सो देन ही दैट मैम तो मुश्किल है अगर आपको ये वाला कलर चाहिए तो इसके लिए तो आपका मिनिमम सिक्स मंथ्स की आपको वेट करना पड़ेगा अभी आप सिर्फ ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज बुकिंग करा दो और हम ऑल द कोशिश करेंगे कि थोड़ा जल्दी आ जाए ठीक है इवेंचुअली कॉल्ड मी आप तो मैंने उसको पैसे दे दिए थे बुकिंग करा दी थी उसी शाम को बट ये भी था मैंने ये भी तो ड्रीम लिस्ट में लिखा था कि मुझे अपने बर्थडे वाले दिन चाहिए यू नो विच वॉज ऑन 13 जुलाई एंड ऑन टेंथ टेंथ आई मीन लाइक वेंसडे वॉज माई बर्थडे सैटरडे को मैंने जाके उसको एडवांस पेमेंट करी थी तो चार ही दिन बचे हुए थे छह महीने बोल रहा था वो ठीक है छह महीने लगेंगे और मैंने एक्चुअली अपनी ओरिजिनल ड्रीम लिस्ट में लिखा हुआ था मुझे ब्लैक लग्जरी कार चाहिए ठीक है एंड इवेंचुअली उस बंदे ने शाम को मुझे फोन करके कहा कि मैम आपको जो मॉडल चाहिए ना वो पूरे दिल्ली एनसीआर में बिकॉज आई एम आई लिव क्लोज टू नोएडा सो नोएडा वाले जो शोरूम था उन्होंने बोला कि मैम सफदरजंग वाले शोरूम में आपको जो मॉडल चाहिए वो एक ब्लैक कलर में अवेलेबल है और वो इंस्टेंट मिल जाएगा और वहां से हमको यहां मंगवाना पड़ेगा बट थोड़ा सा वो प्रोसेस वगैरह होता है कल संडे है तो आ, फिर मैंने कहा नहीं आई वॉन्टेड इट ऑन माई बर्थडे मैंने अपनी ड्रीम लिस्ट में ये भी लिखा हुआ था कि मुझे अपने बर्थडे वाले दिन चाहिए और उसमें सिर्फ तीन दिन बचे हुए थे सो आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू इज द पावर ऑफ राइटिंग समथिंग इन द ड्रीम लिस्ट हाउ यूनिवर्स वर्क इट वे एंड हैव इट डेलीवर्ड टू यू एग्जैक्टली द वे यू राइट इट विथ ऑल स्पेसिफिकेशंस ठीक है सो अब वो सफदर वाले शोरूम में ब्लैक मेरी वाली मॉडल थी वो कहता है मैम इसे एक छोटा वाला मॉडल है बस उसमें ये बाकी सब कुछ है तो आप अगर वो वाली चाहिए तो वो वाली ले लो मैंने कहा नहीं मुझे तो वही चाहिए मेरे ड्रीम लिस्ट में वही था सो फाइनली ही गॉट इट एंड इट वॉज बहुत मुश्किल से आई थिंक वो ट्यूजडे वेन्सडे मॉर्निंग जिस दिन मेरा बर्थडे था उस दिन सुबह पहुंची वो और वो ब्लैक कार्ड थी I was wondering कि मैंने तो ऐसे ही बोला था सुनीता को कि मुझे डीप रेड कलर की चाहिए ये ब्लैक मतलब ब्लैक कहाँ से आ गया फिर मैंने कहा यूनिवर्स अगर आपको फिर ब्लैक देनी है तो ये ठीक है तो और लेकिन उसमें सारे वही फीचर्स थे जो मुझे चाहिए थी वही वाला मॉडल था और वो इंस्टेंटली मिल गया और जिस दिन मेरा बर्थडे था उस दिन सुबह वो शोरूम में आई है एंड इट वाज डिलीवर्ड टू मी अब वो शोरूम सिक्स ओ बंद हो जाता है एंड देर इज नो वे कभी वो लोग सिक्स थर्टी पे भी फोन अटेंड नहीं करते And finally, the car was delivered to me when I was celebrating my birthday in a pub in the night at quarter to nine, eight forty-five, nine p.m. When anyone could have given up, okay? But I knew, and that my birthday was being celebrated in Vasant Kunj, Vasant which is very far away. Okay, like totally uh, you know, end of South Delhi, and Noida is east. Delhi. Se, matlab, deliver hui hai, wo bhi hai, With the flowers and all of that. And the way I received it, 20 of you were there with me at that point of time. 20 of all of you who are from Delhi. Okay. And that is how I received. The whole bunch of us actually received and that bouquet. And you know how we received that we standing with the car. And all of y'all, everybody I think, Ina, Meena, Pura, all of us, all of y'all were there that time. यू नो हुआ फ्रॉम डेली एंड दिस इज हाउ इट वॉज वेलकम बाई एवरी क्योंकि ड्रीम लिस्ट में था कि बर्थडे वाले दिन मिलेगी आई वॉन्ट टू गिफ्ट दैट टू माई सेल्फ ऑन माई बर्थडे एंड इट वॉज ब्लैक आई केम टू नो मच लेटर की मैंने ये लिखा था टू थाउजेंड नाइनटीन में कि मुझे काले रंग की ही गाड़ी चाहिए so in this dreamless may the universe fulfills it for us by assembling those situations people circumstances by giving us a dream so it is very very important for us to dwell and think about what exactly do we want and why we want not how how is the job of the universe

कितना आप किसी किसी को जरूरत है पैसे की यू you नो know, कोई अंडर प्रिवलेज बच्चे हैं उन, उनकी एजुकेशन स्पॉन्सर करनी है उनकी स्टेशनरी आपको जाके देनी है हर महीने जाके हर महीने जाके उनको अच्छा खाना देना है तो ये सारी चीजें आप क्या करोगे वाई यू नीड दैट हैज टू बी वॉट एंड वाई हैज टू बी क्रिस्टल क्लियर नॉट हाउ हाउ इज द जॉब ऑफ द अगर आप हाउ में चले जाओगे तो लिमिटिंग बिलीव आ जाएंगी कि कैसे आएंगे दस लाख रुपए

Ask, believe, receive. These are the three-step process of getting any of your dreams answered. So ask first and ask with clarity. So I, um, so I am also doing another course on law of attraction, जो मेरी रात को नौ बजे क्लासेस होती हैं उसकी रोज होती हैं ठीक है? ठेके? तो उसमें एक बंदे ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कल ही रात को किया था। उसने बताया कि वो बांबे में रहता है। और मतलब जॉब उसका बॉम्बे में है उसकी फैमिली वाइफ और उसका बच्चा बैंगलोर में रहते हैं ठीक है तो उसने अपने मतलब उसका जो डिजायर लिस्ट थी उसमें ये था टू स्पेंड टाइम विथ नो फैमिली इन बैंगलोर ओके सो अब ये थोड़ा सा अनक्लियर सा मुझे यही लगा कि ये तो मतलब सेंटेंस पूरा है नहीं टू स्पेंड टाइम यू नो लाइक उसको ये था टू बी ट्रांसफर बैक टू बैंगलोर

ये तो मुझे समझ ही नहीं आया था कि मैंने कहा मतलब उस वक्त ऑफ कोर्स आप म्यूट पे होते हो और आप कुछ बोल नहीं सकते एंड आई एम नोबडी टू कमेंट बिकॉज़ दैट इज व्हाट ही ही थॉट शुड बी राइटिंग और मेंटोर उसमें कोई और है सो दिस इज व्हाट ही रोट और उसको फिर उसके पास नहीं कर दिया कि ठीक है जाओ एक हफ्ते के लिए बैंगलोर में रहो और वर्क फ्रॉम होम तुमको दे देते हैं और तुम उनके साथ काम करो अब उसकी तो लिस्ट पूरी हो गई ठीक है उसको ट्रांसफर चाहिए था ना उसको ट्रांसफर मांगना चाहिए था सो विच मींस जो यहां पे लिखा है, कि बहुत क्लैरिटी के साथ आप अपने यू नो लाइक गोल्स को सोचो कि कैसा चाहिए जैसे इसमें है इफ़ यू वांट अ ब्यूटीफुल पार्टनर आप सोचो कि मतलब किस तरह का पार्टनर जो बहुत स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है कमिटेड है आपके साथ इंटीमेट एंड रोमांटिक है आपके पेरेंट्स की बहुत इज्जत करता है अपने पेरेंट्स की बहुत इज्जत करता है आपको प्रियोरिटी सीट पे रखता है यू नो लाइक बहुत सारी चीजें और आपको बहुत फ्रीडम मिल, मिलती है उसकी वजह से ही इज योर चेयर लीडर और शी इज योर चेयर लीडर इन लाइफ एंड हेल्प यू इन ग्रोथ एंड प्रोग्रेस गिव यू फ्रीडम टू चूज यू नो एंडल एट द सेम टाइम वट एवर यूट अ वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और यू नो वेरी नाइस पर्सन एट हार्ट वेरी गिविंग वेरी लविंग एंड वेरी काम एंड यू नो लाइक दोज काइंड ऑफ थिंग्स जो भी आपको लगता है कि एक पार्टनर में होनी चाहिए तो वो क्रिस्टल क्लियर लिख लो और उसकी वजह से नाउ बी दैट काइंड ऑफ अ पर्सन योर सेल्फ बिकॉज लाइक अट्रैक्ट लाइक टिल यू डोंट बिकम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन एज वॉट यू वॉन्ट टू सी इन पर्सन यू विल नॉट बी एबल टू अट्रैक्ट बिकॉज लाइक अट्रैक्ट लाइक दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी जैसे आप ग्रम्पी यू नो वेरी एंग्री और दूसरा यू वॉन्ट समेरी काम वेरी रोमांटिक वेरी नाइस एंड यू नो वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर हाउ इजन डू कम ना बिकॉज लाइक आपको आप हीवेंसी वाला इंसान मिलेगा तो अपनी फ्रीक्वेंसी वर्क करो जब आप फुल ऑफ लव एंड रोमांस हो जाओगे अपने आप से अपने आप वो पर्सन लपक के आ जाएगा आपकी जिंदगी में कैसे आएगा पता भी नहीं लगेगा सो इट ऑलवेज से okay so that is how life goes on so, and be very crystal clear about about your goals and dreams and desires be crystal clear about it and then after that work on your frequency throughout gratitude ki frequency maintain karniki frequency take fall home which is very natural but rise up again and start crawling walking running sprinting whatever you want to do but movement has to be there you know so every day see यू नो लाइक इन आइट यू डू यूर मैजिक रॉक प्रैक्टिस वो पीपल जो अभी तक कर रहे थे नए लोग भी होंगे नए लोगों को पता नहीं मैजिक रॉक अभी आएगा हमारा परसों में सो अगर आप मैजिक रॉक प्रैक्टिस करते हो तो थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करो देखो वॉट इज इट है हाउ हैव यू ग्रोन हाउ हैव यू डन समथिंग एक्स्ट्रा अ लिटिल डिफरेंट okay have you done have you grown from where you were and that has to be a constant process because that check we need to keep making us how how many times did i fall down today four times okay what i what i need to do about it so that is called self growth and self development and when the focus is on self growth and self development you will see your life expanding in the most beautiful way जो आपको अभी पांच लाख रुपए हर महीने रिसीव करने में स्ट्रगल होता है वो आपका चुटकियों में हो जाएगा पता भी नहीं लगेगा बिकॉज मनी इज एनर्जी इट इज अ फ्रीक्वेंसी ओके जैसे ही आपकी एनर्जी चेंज होगी पैसा आपकी जिंदगी में आने लग जाएगा छप्पर फाड़ के इट विल नॉट बी अ स्ट्रगल ओके एंड वाई एट द सेम टाइम यू बिकमिंग अ बेटर पर्सन सो टूडे वी नीड टू काइंड ऑफ जस्ट बी क्रिस्टल क्लियर अबाउट वॉट वी वॉन्ट रिव्यू योर डिजायर्स एंड योर लिस्ट ओके वी नीड टू रिव्यू दैट बिकॉज लिमिटिंग बिलीव से मत करना बट वाइल एट द सेम टाइम वो बहुत ही मतलब जैसे अगर अभी आप फाइव लैक्स भी नहीं रिसीव कर रहे हो एक महीने में तो आप अभी एक करोड़ मत मांगो ठीक है सो so, अभी आप थोड़ा सा रियलिस्टिक बिकॉज एक करोड़ अगर मांगोगे तो उसमें रेजिस्टेंस आ जाएगा सो इसलिए इफ इट इज फाइव यू कैन गो टू टेन और यू कैन गो टू एट और वटेवर एट इज अ नंबर ऑफ इन्फिनिटी ना तो एट एट कर सकते हो या टेन रियलिस्टिक लगता है आपको तो वो करो रियलिस्टिक लग रहा है एवरी मंथ आउट ऑफ इमेजिनेशनो कि आपको रेजिस्टेंस तो be you know, ही आ जाए क्योंकि बार बार उसमें फिर आप हाउ में जाओगे ठीक है और प्लस हमारी कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए ना इतना पैसे संभालने की मतलब वो होता है ना दैट ठीक है इतना आ जाएगा और एम आई केपेबल ऑफ यू नो दैट अ थिंग एवरी वन लाव मनी सिमिलरली इफ यू हैव हेल्थ गोल एग्जैक्टली वॉट आर यू लुकिंग फॉर ठीक है और जब ड्रीम लिस्ट लिखते हैं तो उसमें कोई नेगेटिव चीज नहीं लिखनी होती है उसमें जैसे सपोज रिडक्शन ऑफ माई बॉडी फैट ये नहीं लिखोगे ठीक है रिडक्शन अच्छा वर्ड नहीं होता या मेरा घुटनों का पेन ठीक हो जाए ये नहीं होता पेन वर्ड नहीं आना चाहिए कोई भी नेगेटिव चीज नहीं होनी चाहिए टू हैव हेल्दी नीज दैट अलाउज मी टू सिट ऑन द फ्लॉ जम्प walk the walk up the staircase and do everything with easy with ease okay and with complete agility flexibility and mobility अगर आपको knees अपने ठीक करना hai तो ये होना चाहिए अगर ब्लड प्रेशर है और आपको उसके लिए हेल्थ गोल लिखना है कि आपका ब्लड प्रेशर 120 ट्वेंटी बाई एट्टी हो जाए दैट तो उसमें आपको ये लिखना है टू हैव अ नॉर्मल ब्लड प्रेशर एंड the best ऑफ हेल्थ ओके तो ये नेगेटिव वर्ड्स नहीं है मतलब अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो आपको ये नहीं लगना है कि मेरे बाल झड़ने रुक जाए माई हेयर फॉल शुड स्टॉप ये नहीं लिखना है टू हैव सुपर हेल्दी थिक डेंस हेयर विच आर वेरी वेरी सॉफ्ट एंड सिल्की दैट मेक्स मी लुक लाइक अ दीवा वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट इट्स योर गोल यू कैन बी एज क्रेजी यू यू एज क्रेजीट टू बी ओके सो दिस इज वॉट यू यू वॉन्ट टू गो टू सम स्पेसिफिक कंट्री रोंडाबन ने इसमें लिखा हुआ है कौन सी कंट्री जाना है कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लेना है आपको क्रूज के थ्रू जाना है कि आपको मतलब वाटर के थ्रू जाना है कि आपको फ्लाई करना है वहां पे ठीक है किस तरह के होटल में रहना है लग्जूरियस ट्रिप चाहिए बहुत फन और लाफ्टर करना है क्या क्या चीजें करनी है किस तरह से एवरीथिंग यू नो व्हाट काइंड ऑफ शॉपिंग वुड यू वांट टू डू बिफोर यू गो फॉर दैट ट्रिप हाउ मेनी डेज इज गोइंग टू बी हाउ मच मनी यू वांट फॉर दैट एवरीथिंग हैज टू बी क्रिस्टल क्लियर ओके okay, तो अपने आप अब वो ट्रिप आप मैग्नेटाइज करोगे अपनी तरफ अपने आप कुछ ऐसा हो जाएगा कि उस ट्रिप पे डील आ जाएगी या कोई आपको आपके फ्रेंड फोन करके बोलेंगे लेट्स देयर एंड यू यू नो सो दैट वे यू डोंट नो हाउ यूनिवर्स ऑर्केस्ट्रेट्स एवरीथिंग एंड पुट्स थिंग्स टुगेदर सो दैट वी कैन मूव इन दैट डायरेक्शन ऑफ द ड्रीम्स सो दैट इज ऑल सो so, अगर आप लोग पुराने प्रैक्टिशनर्स हो और यू हैव डन दीस प्रैक्टिसेस एटलीस्ट फॉर अबाउट 6 मंथ्स ठीक है अगर ये प्रैक्टिसेस सारी की हैं 6 महीना तो यू कैन स्टार्ट राइटिंग योर ड्रीम फॉर योर फैमिली आल्सो ओके सो अपने पेरेंट्स के लिए अपने इन-लॉज के लिए अपने बच्चों के लिए अपने स्पाउसेस के लिए उनके लिए भी लिख सकते हो ठीक है कि आप उनके लाइफ में क्या करना चाहते हो क्योंकि पहले इसमें अपने आप को इतना सक्षम और समर्थ बनाना होता है दैट यू स्टार्ट यू यू डेवलप द केपेबिलिटी ऑफ चेंजिंग अदर्स लाइफ ऑल्सो ओके सो पहले अपने आप पे वर्क करना पड़ता है फर्स्ट सिक्स मंथ्स हम बिल्कुल नहीं बोलते कि किसी और को करो क्योंकि अभी एल्केमि बनने में टाइम होता है थोड़ा सा एकदम से इट्स अ प्रोसेस

हेल्थ एंड बॉडी हेल्थ एंड बॉडी में आपको क्या चाहिए कितना वजन चाहिए क्या चीज आपको हेल्दी करनी है अपनी ब्लड शुगर हेल्दी करनी है आपको अपना कोलेस्ट्रॉल हेल्दी करना है आपको अपने बाल सुंदर बनाने हैं आपको अपने चेहरा बहुत ही यंग क्लीन क्लियर ग्लोइंग चाहिए ठीक है आपको बहुत ही टोन टमी चाहिए आपको एबडोमैन अपना बहुत नाइस एंड शेप इन शेप लाना है वट एवर इट इज यू नो सो दैट इज वॉट यू नीड टू वर्क ऑन करियर एंड वर्क का देखो क्या गोल चाहिए क्या आपका गोल है टू रिसीव एन अवार्ड फॉर योर वर्क एंड एप्रिसिएशन अवार्ड फॉर योर ऑर्गनाइजेशन बाय होम दैट यू कैन राइट मनी ऑफकोर्स लाइक कितना आपको हर महीने रिसीव करना है कितना इन्वेस्ट करना है जो भी गोल है आपका मनी से रिलेटेड वो रिलेशनशिप गोल क्या है uh you can write different like if daughter in law mother in law hai. so you know daughter in law can write to have the most amazing friendly and a loving relationship with my mother in law okay that it can if you're looking for a partner then to have a very loving partner who loves and supports me has very good habits you know like whatever like uh, is spiritually inclined is a very nice person has a very good sense of humor यू नो इज फाइनेंशियली वेरी स्टेबल और वट एवर यू राइट पर्सनल डिजायर में आपको खरीदने आपको एलवी का बैग खरीदना है आपको अपने घर के लिए बहुत सुंदर सी कोई पेंटिंग खरीदनी है आपको अपना घर रेनोवेट कराना है आपको बैग खरीदना है आपको कोई यू नो लाइक वड एवर अरमानी के शूज खरीदने हैं So, जो चीज आपको चाहिए मटेरियल डिजायर्स आप उसको खुल के मांगो अगर आपको अपना कम्युनिकेशन बेटर करना है वो भी लिख दो वट एवर you know, uh, आपको कोई किताब लिखनी है आप वो इसमें पर्सनल डिजायर्स में डाल सकते हो मटीरियल थिंग्स में आपको जो चाहिए वो सो वॉटर इट इज लाइक इन सब कैटेगरीज में अपने ड्रीम लिस्ट लिख लो Uh, जिस पे हम एक बार लिख लिया तो मैंने आपको बताया ना वो मेरे दसों की दसों पूरे हो गए और उसमें तो मतलब इतने बड़े बड़े हैं मतलब मैंने उसमें फाइनेंशियल गोल भी एक लिखा हुआ है टू हैव मिनिमम सो मच इन माय सेविंग्स अकाउंट ठीक है तो ये वाला गोल भी लिखा हुआ था और वो पता नहीं कब हो गया वो तो टू में लिखा था आई थिंक ट्वेंटी 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 मे में ही वो हो गया था फर्स्ट फर्स्ट जब मैंने फर्स्ट मैजिक बुक खत्म की थी कोविड के फर्स्ट मंथ में अप्रैल से शुरू की थी मई में, में खत्म हुई थी मे में ही वो वाला फाइनेंशियल गोल पूरा हो गया था मुझे पता ही नहीं कि मैंने 2019 में उस अमाउंट के लिए लिखा है सो इट इज सो अमेजिंग नॉट इवन टेक लाइक that kind of a level in दैट savings account and this was एंड when this happened मतलब पैसे तो नहीं मिल मत ऐसे इधर उधर ना मार्केट में बहुत मनी नहीं था जब कोविड चल रहा था लेकिन आई रीच दैट गोल ड्यूरिंग कोविड इन माई फर्स्ट मंथ ऑफ द मैजिक बुक प्रैक्टिस आई so that's what इट इज एंड देन enjoy द जर्नी एंड बी वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट इट दैट इज what इट इज So, yeah, now we go to the other book, which is The Hero. ek Hero ke ke points. Bahut achhe se padenge. So, yes, Shivani. And thank you, Reena, for reading so beautifully. Your voice is so loud and clear. Jata hai. Thank you, ma'am. My pleasure. Yes, Shivani. Good morning. Good morning. Good morning. Thank you for the compliments, firstly. I read that. Oh, no, morning. thank so, you. Shivani, thank you. Yeah, thank uh, thank you to all the admins is what she had written for doing that yeah. hard work and putting everything into place and such smooth execution. So thank you to all the admins who are writing the prayers and you know working tirelessly and selflessly. So thank nice you and to thank you. Compliments that you are recognizing someone's effort is a very big thing. You know that kind of a heart. So thank you. Yeah. Mastin Kip, there's a great book called "Feel the Fear."

ठीक है तो इसमें वो ही करने को बोला है दैट जो चीज़ से आप डर रहे हो ना जस्ट डू इट जैसे व्हेन व्हेन आई 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 वेंट टू थाईलैंड अभी रिसेंटली सो तो डाइव तो डीप इनटू द सी मुझे गहरे पानी से समुद्र के पानी से बहुत डर लगता है बहुत ज्यादा डर लगता है मैं जब बीच भी जाती हूँ तो मैं थोड़ा सा डीपर साइड पे आई एम नॉट एबल टू गो यू नो समाउ आई डोंट नो वट इज द फियर आई जस्ट वेयर माई गेयर एंड

ओके बिटवीन द कोरल्स एंड यहाँ पे फिश उधर फिश उधर फिश, फिश बड़ी बड़ी फिश छोटी छोटी फिशेस यू you नो know, और मैं पानी के मैं ग्रेटिट्यूड वॉक कर रही हूँ वो भी सी बेड में मतलब पांच समुद्र के अंदर सो so, फियर उस वक्त भी और वंस आई वाज वॉकिंग इट वाज ओके बट वो नीचे जाते वक्त क्योंकि पता ही नहीं था कि वो सी बेड आएगा कब यू नो आप नीचे जाते जा रहे हो जाते जा रहे हो और ऑफ कोर्स यू आर ऑक्सीजन दैट टाइम और फिर ऊपर आते वक्त तो मेरा वो ऑक्सीजन मास्क की वो निकल गया था सो इट दैट वाज ओनली मोमेंटरी बट वो फियर हमेशा के लिए चला गया और उसके बाद लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने शुरू हुए क्योंकि आई कुड वो एक ब्लॉकेज था शायद एक फियर दिमाग में कांटे की तरह चुभा हुआ था कांटा निकल गया ठीक है उसके बाद मेरे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए पॉजिटिव सो दैट इज हाउ इट इज लाइक डू इट एनी एंड वेल Feel the fear ke baare mein, I don't know much, but then Masterin ke Bolte hain that uh, you know the best advice is the title of these books. Yeah. Michael Acton Smith. Things still scare me. Giving a speech in front of hundreds of people is scary. Meeting someone for the first time that you respect is scary. But you only really progress and evolve. And get closer to your ultimate dreams by putting yourselves in these fearful situations. Was it Elena Roosevelt who said, Do one thing every day that scares you? I just love that philosophy. Preparation lessens your fear. You can easily understand that the more prepared you are before a test, exam, or speech, the less fear you will have. Well, when you prepare your mind for something you're about to undertake by visualizing the outcome, you will reduce the fear you feel. You might also discover that the moment you begin to do the fearful thing, the fear disappears immediately. I have found this to be true in my life over and over again. The fear of doing something is much worse. And the reality of doing it. And when you've been practicing visualization, your final reward will be the outcome turning out exactly the way you pictured it. Okay, so there are a couple of teachings here and a couple of learnings. The first is whenever you fear, fear is natural. And public speaking and suddenly you are made to do that public speaking. On certain topics, so there is a lot of jitters and butterflies in the stomach happening, and then you think that how will I do it? Or meeting someone you've really respected all your life, and suddenly that person comes before you, that might be scary. So little things. So what here, master kip says, uh, Ma Michael Acton Smith says is that you do it anyways. Try to face it. So he says here that thinking like fear zada hota hai by thinking about it. देन वेन यू एक्चुअली डू इट जब एक्चुअली डू इट करते हो तब लगता है कि अरे ये क्या था सेम थिंग इट हैपन टू मी जब मैंने डीपसी डाइविंग करी जब कर रही थी तब मुझे लग रहा था वाह ये तो बड़ा फन है क्या मजा आ रहा है इधर इतने बड़े बड़े फिशेज और यू नो लाइक उस तरह से सो ऑफकोर्स देर वॉज अ ट्रेनर ऑल द टाइम द ट्रेनर ऑलवेज डे विद यू लाइक वो आपको छोड़ता नहीं है ऑल दो यूर वॉकिंग आगे पीछे कहीं पे होता है वो हवा में होता है मतलब पानी के अंदर होता है सो so, वो आपके पास नहीं बट ही इज वॉचिंग एवरी मूव एंड इज टू प्रोटेक्ट एंड गाइड एंड ऑल ऑफ दो बट देर पहले हो रहा था मतलब मैं फ्रीज होके बैठी हुई थी उस बोट में मतलब एक बहुत बड़ी सी वो शिप टाइप होता है वहां से वो छोट छोटी छोटी बोट्स निकल के लेके जाते हैं जो समुद्र के बिल्कुल बीच में जाती है और वहां से आपको नीचे कूदना होता है तो so, जब वो छोटी वाली बोट में मैं बैठ के गई और वहाँ पे जाके पूरे टाइम I was frozen I was not talking to anybody I was quiet and I was sitting and I was speculating I was very very fearful and then finally जब करके आई तो लग रहा था वाह यार मतलब it I didn't know that it was as easy and simple as this so I can totally relate to the sentence that fear only happens when you have not done it once you have done it then you feel that wow i've done it i mean it was so easy similarly a public speaking if you have to go and give a speech in front of 100 people 100 learned people you think that am i going to make any sense i hope i speak well i hope i don't goof up I to kabhi aise kiya nahi hai you know aise log I hain main kaise bolungi kya karungi chahe aap kitne bhi bade jo field ke even then that fear comes in Okay, But once you've actually done it, you feel so much gratification and that sense of achievement and all of that. So that is how it actually works. So it is about just do whatever you know you're fearing, and that's it. And then the fear disappears immediately. So that's what it is. And then he talks about the next thing, which is visualization. Visualize yourself with a successful outcome, whatever it is, you know, if it is, if it is speaking to the public, uh, or you may need to make a lecture, then visualize that you are speaking with a flair and confidence, you've made so much sense to people that people are standing and giving you an applause, you know, so that standing ovation is what you're getting for what what content you have delivered in terms of the lecture, and how amazing you were.

So when you see repeated visualization that you're, you know, let that thought come in your mind and that image that you're receiving an award for your work, for your book, for this, for that, or or you accomplished something if you're a sports person that you won your race or you won your match or whatever it is, or, or you've received your, you know, like visualization could be, you were finally able to buy a beautiful house by the beach or wherever it was.

And stay true to that image in the head, you know. So that's also very important. Keep picturing it over and over again. So that is what it is. Yes, Shivani, we can just read this taking risk, and then tomorrow okay. we'll start. Taking Jibra. risks. When we made the secret film, I put my career, my company, home, reputation, and everything I had worked for on the line. But not once did I consider it a risk. I knew my dream would come true. Yeah. So this is from Ronda Byrne. She's saying that when I started the secret film, sab kuch hai, matlab career, wo apna production house में काम करती थी as a creative director. वो वो काम छोड़के आई थी ऑस्ट्रेलिया से और वो relocate करके दूसरे देश में आई थी जहाँ वो कभी नहीं आई थी वो रही भी नहीं थी. But उनको ये पता था that my career would be made in U.S. and I have to start working there.

you know the law of attraction and she wanted to bring it to the world that this is how you can change life she interviewed multiple people jinone apni apni success stories but i mentors bari mentor similevo jack canfield and all jinone apni bari me batiya ki kitne salum se bolo practice karne law of attraction or kesi jinone bari bari ghar success manifest karne apni so she wanted to put all that together and bring it to the world so that nobody needs to suffer anymore और सब लोग अपने अपने सपनों की दुनिया अचीव कर सकते हैं और कितना आसान है अपने सपनों की दुनिया अचीव करना इट इज जस्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ दैट्स इट यू आर नॉट फिक्सिंग एनीथिंग आउटसाइड ओके यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ एंड दैट्स इट एंड शी वॉन्टेड टू ब्रिंग दैट साइंस एंड दैट नॉलेज एंड लर्निंग फॉर पीपल सो सब कुछ करके फाइनली उन्होंने किया ना सो शी से उनको लग रहा था कि नहीं सक्सेस तो मैं होंगी ही होंगी मेरे पास आएगी दैट इज वॉट इट वॉज एंड नो लाइक सो मेनी पीपल हु ड्रीम्स उसमें जैक एंड का एक एग्जाम्पल भी है ना सीक्रेट मूवी में जिसमें उन्होंने पांच साल पहले एक ब्यूटिफुल हाउस की पिक्चर काट के रख दी थी और वो भूल गए थे उसको उसके बाद एक दिन जब वो मूव किए अपने नए घर में तो उनका बेटा एक बॉक्स पे आके बैठ गया उनके ऑफिस के अंदर और वो जब बेटे ने कहा कि डैड वॉट इन दिस बॉक्स सो ही सेड आई डोंट नो नो इट्स यू लाइक बिकॉज मूव इन किया था नए घर में तो वो बॉक्स खुला ही नहीं था अभी तक उन्होंने कहा पता नहीं कि क्या है इसमें फिर वो गए खोलने के लिए देखने के लिए वॉट इज इन दिस बॉक्स बिकॉज ही वॉज सींग दैट बॉक्स देयर फॉर सो मेनी डेज बट अभी तक किसी ने खोला ही नहीं था उसको तो वो कवर्ड uh, ही रखा हुआ था फिर उसको खोला तो देखा उसमें से वो फोटो निकली एग्जैक्टली exactly वैसे ही घर में वो मूव इन किए थे फिर उन्होंने दिखाया कि ये इस घर में मैं मूव किया हूं और ये फोटो मैंने पांच साल पहले काट के रख दी थी और मुझे पता भी नहीं था यू नो सो विजन्स चीजें एक बार भी अगर हम यू नो लाइक उसको अपने दिमाग में एक मेंटल इमेज बना लेते हैं और वो हमारे दिमाग में कुछ टाइम तक रहती है यूनिवर्स टेक्स इट्स ओन टाइम टू मैनिफेस्ट इट फॉर आस बट इट विल हंड्रेड एंड वन परसन है So hence thinking about our success, about our victories, about what we want to achieve in life is something which is so important to us. And then uh, there's no scope for suffering and you know like that fear and all that it comes and just do it and move on in life and keep moving forward. That is the only way. And then you know like expansion in the actually we are awestruck as to how beautiful, how easy life is. And literally like every day of your life is going to be a celebration because life is a celebration, okay? Make your life a celebration. Celebrate little joys in life. Celebrate moments in life. Celebrate sunrises and sunsets in life. And that's how it is. So yeah, this is how I'm... Thank you so much, Shivani. Thank you read, you. your voice is so amazing. Everybody is going to vouch for it. You have to apply at Walt Disney's. <laughs> <laughs> Thank you so much. yes so we are done for today anyone wants to add or share anything what's been happening any anyone who's seen a shift in their uh, attitude or how quickly are you able to you know like come back to your um, you know like high frequency after dipping low you know all these things are also very big experiences isn't it no experience for today ma'am <laughs> it doesn't take much time to come back to the that particular frequency the thing you like do it that and for me it's very easy like मैं हमेशा से ऐसा रह रहती हूँ कि like कभी low हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा low हो जाती हूँ but then the best thing I do is to go out बाहर चले जाओ nature में चले जाओ walk करके आओ and you get the things back जैसे था

If we keep ourselves occupied with these gratitude practices and to say thank yous and keep yourself busy in whatever you love to do. So then you will not you won't fall down very often. Yeah, that's the thing. Another thing we can start practicing is happiness is my habit now. And we can write this 21 times. Slowly, slowly, your subconscious mind has rewired this into it. And this becomes a tattoo, permanent one. And then you will see your outward reality as everything, you know, you're attracting is giving you happiness. So happiness is my habit now. <laughs> so this is a very good affirmation. I really love it. You know, happiness is my habit now. So happiness is my habit. So happiness is my habit. So and habit now, because that power of now talks about this. So, if we keep writing this, if we keep, you know, forming our own new affirmation. So, today is the day of uh, just crafting n number of dreams. Okay. So, we can just write them down in our gratitude journal. The format is not thank you, thank you, thank you, like chapter number 13. list, And that list can be as big as having 25 desires and dreams. It doesn't have to be like 10. That 10 and thank you, thank you, thank you comes in chapter number 13. So, today, let us see. How we have expanded, how our thought is now go, going towards, you know, like bigger dreams and different dreams that we have not thought of doing. Maybe you've not thought of taking a nice international trip so far, but give it a thought. Put it down in your list if you have that desire. Ah, abhi are you need right? to have that desire. Hanji ah, ah, right. Saroj, sure. Hello. Hanji. Ah, hello, ma'am. Ma 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 जैसे अभी प्रिया ने बोला मेरे पास भी बस यही शेयरिंग है कि दिस प्रैक्टिसेस मेक मी सो फियरलेस फियरलेस मींस अब किसी चीज का फियर नहीं है मुझे किसी भी तरह का इमोशनल या किसी तरह का किसी किसी भी रिलेशनशिप को या किसी भी चीज को लॉस करने का डर किसी फा, कोई फाइनेंशियल डर मतलब जैसे होता है ना हर चीज के लिए कुछ वो आप क्या समझते हो उसको मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ कि कुछ भी तरह का फियर नहीं है मुझे हमेशा एक तो ही चीज लगती है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब मेरे लिए हो रहा है और बहुत अच्छे के लिए हो रहा है और वही आउटकम आता है ये प्रैक्टिस करने का फायदा यही है कि मुझे अब बस मैं फियर लेस यू थैंक यू मैम थैंक यू बस यही चीज है so कि मैं पहले तो ही तो काफी गैजेट लगा हुआ ही होता है फिर करेज का गैजेट लगा हुआ हो होता है हाँ कि कोई चीज किसी चीज के लिए डर लगता था कि ऐसे होगा कोई फलाना क्या सोचेगा या कुछ वो हो जाएगा या फिर किसी चीज की इमेज का डर जैसे है ना हाँ, लोग क्या सोचेंगे लोग क्या कहेंगे हाँ, ये गलत हाँ, है ये ऐसे करूंगी तो इंसान बोले कि कोई कुछ फ्रेंड्स लॉस हो जाएगा या कुछ मैं कोई और हाँ, चीज लूज कर दूंगी तो वो इवन एनी रिलेशनशिप मुझे अब किसी किसी भी चीज से डर नहीं लगता है जो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए कि मैं अब मुझे किसी की परवाह नहीं है बात वो है कि मतलब इस फियर की किसी फियर के साथ आप जीते हो ना तो आप अपना आउटकम ला ही नहीं पाते हो बाहर जो आप जो वर्दी हो आप जो आपकी पोटेंशियल है है ना तो वो चीज है कि बस थैंक यू थैंक यू एंड थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू विद सुपर हैप्पीनेस और आप हमेशा ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहे और पूरी दुनिया में मुस्कुराहट फैलाते जाए थैंक यू थैंक यू हाँ जी नेहा मेरी भी ऐसी जिससे कोई बोलता है या आसपास पास बोलते हैं जो ये डिप्रेशन में है कल ही जैसे मैं एक मेरी फ्रेंड का नाम है उसका भी नाम लिखा है तो हम लोग कल शाम को ऐसे बैठे थे सुन तो सिंह की जो मेरी क्लाइंट है वो बहुत डिप्रेस है ये है वो तो मैं मुझे लगा जो नहीं ऐसा कुछ होता ही नहीं डिप्रेशन या कुछ भी नेगेटिविटी सब इट्स ऑल अबाउट द माइंड एंड आई वॉज लाइक मैं उसको बता रही थी जो नहीं ऐसा नहीं होता है सब चीजें ठीक होती है हमें ओवरकम करना है तो ये चीजें मैं यहां से नहीं कुछ गलत नहीं होता सब सही है सब हम ठीक कर सकते हैं और थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है मैंने उसको सजेस्ट भी किया जो उसको बोलो अपनी क्लाइंट को group, तो सब ठीक हो जाएगा कोई भी डिप्रेशन सब चीज ठीक हो जाएगी <laughs> डिप्रेशन डर के भाग जाएगा कि मैं किसके में हाँ, yeah, <laughs> <laughs> हाँ, हाँ. वो ही दब दब कर, दब दब कर कर जजमेंटल होंगे तो होंगे सब अब मेरे में ये वाली चीज आ गई कोई जजमेंटल हाँ. होगा कोई सोचेगा तो सोचता रहेगा मुझे अपनी बात कहनी है वॉट एवर आई एक्सप्रेशन अगेन ना यू आर एक्सप्रेसिंग योर तो तो भी तो खुद के ऊपर इतना नहीं हावी होने दूंगी नहीं मुझे जीतना है आई नहीं कुछ भी नहीं ऐसा कुछ नहीं मैं मैं सबसे अच्छी सबसे अच्छी सबसे बेस्ट थैंक यू थैंक यू थैंक यू हाँ वही अपनी लेन में चलते रहो और आगे बढ़ते रहो

So, why is this happening? I'm doing all the practice, everything has been going very smooth. Work, than... work on your caffeine intake. Maybe you have to chai coffee or a No, I'm not even taking that. It's not even that. So, please put in your put in your blessings, meditate for about five minutes, do box breathing before you go to bed, or you can do your uh, Brahma. You know what is Brahmari, na? Box Yeah, 4444.

for exhale and exhale co hold so that's called okay. box breathing so you can okay. do that or you can do this i'm sure that your view you will be able All to right. work perfect continue. thanks yeah. an amazing thank relaxing you. rejuvenating reviving sleep thank sleep you thanks. thanks thank you so much thanks. yes mina i have two or three yeah. कैमरा ऑन लास्ट ईयर कैमरा ऑन एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा तो अंधेरा ज्यादा है अंधेरा ज्यादा है ओके ओके आई विल ट्राई ठीक है चल रहा है या तो लास्ट ईयर दस दिसंबर आपके पूरे ईयर के लिए ग्रेटिट्यूड करो राइट तो हमने अपने पूरे तो तो साल आवाज के थी मीना दोबारा बोलो आपने कहा था कि पूरे साल के लिए शुक्राना लिख ठीक है हम जो करते हैं दिसंबर में बोला था मैंने पिछले I don't know, कुछ voice issue है कनेक्शन मस्ट बी the कॉल आई थिंक शी इज नॉट मैम बिकॉज हैंड इज also नॉट विजिबल नाउ

तो मुझे वैसा ही ट्रीट करते थे कि बहुत सुपर हाई फाई लोग और ऐसे और वैसे क्या खाते हो आप क्या रहते हो बहुत एक अलग वे में और कमेंटिंग वे में बहुत नेगेटिव ही रहता था मेरे लिए वो वहां का प्रिंसिपल का भी था कि अरे यार, यार ये तो चुन्नी भी नहीं पहनती और कुछ एकदम मुस्लिम एरिया में आप रह रहे हो और आप अपनी शर्तों पर रह रहे हो वाला था तो दे नेवर देर नेवर एक्सेप्टेड मी एंड आई लेफ्ट फ्रॉम देयर और कल मेरे पास उनका कॉल आया

टली For five minutes minimum, but a timer of 10 minutes. You can do this sitting in your house and think about all the people, say a mall there who are working in that particular mall. You don't even know those people. Okay, but you're busy blessing that mall and every store that they have a lot of success, uh, you know, like prosperity pure staff may I or staff bohat healthy. Rahe ठीक है और बहुत ग्रोथ हो उनकी लाइफ में अब आप जानते भी नहीं हो कि उस मॉल में शायद सारे स्टोर्स कौन से हैं कौन लोग काम करते हैं बट योर ब्लेसिंग्स लाइफ because you don't need to know the person to penetrate your blessings to them. so इस तरह से हमको एक्सक्लूसिवली 10 मिनट टाइमर के साथ निकाल के सिर्फ बLESSING के लिए यूज करना है. We are, we are blessing the country, we विया बLESSING चेन्नई, विया बLESSING आ uh, people in Italy, we are blessing wherever you know wherever we are our office, the office boys. if you know particularly people who are struggling in their life, so bless them.

और uh, सबकी जिंदगी में हम इस पावर से खुशियां लेके आए सो मकसद यही है हमारा और ऐसा करते करते अपनी जिंदगी तो बदल ही जाएगी बिकॉज सर्क्यूलेट होती है एनर्जी तो so, वो गई है तो वो घूम के मल्टीप्लाई होके वापस आपकी जिंदगी में आ जाएगी सो क्विकेस्ट वे टू ट्रांसफॉर्म योर ओन लाइफ सिचुएशन इज टू गिव एनर्जी टू समल्स ऑफ ब्लेसिंग्स So that's what Bharti is doing. So thank you for okay. making me realize that. Um, and reminding me, um, there, yeah, there was a question also like um, earlier, like on this day also, I have been writing always like thank you, thank you for it. So uh, can you just illustrate one example with that? How to start like thank you or only um, uh, to, to have five lakh rupees every you. month with ease and joy to be able to buy a house, which is three BHK, which has early morning sun coming inside and a very nice colorful kitchen and great blue tiled bathrooms and uh, spacious rooms to be able to do this for this. This is how we have to write. Thank you. Thank you so much. Yeah. So is Meena back? Meena, are you back? I think she has some network issues out there. Yeah. So maybe tomorrow we'll take a so thank you so much. Uh we'll meet up tomorrow. Have a beautiful, wonderful Thursday. And Good morning. Good morning. thank you, you, you. So you. you. ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Yes. Thank, thank you, ma'am, ma 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 so much. Ma